सब्सक्राइब कीजिए 0 to 9 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2018 के तीसरे हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विद विच कंपनी टाटा मोटर्स हैव लॉन्च्ड द ट्रायल ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, टाटा मोटर्स ने किस कंपनी के साथ मिलकर देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का ट्रायल शुरू किया? तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी टॉप्स इन क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस सर्वे। कौन सा शहर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस सर्वे में सबसे ऊपर रहा? तो इसका आंसर है पुणे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर है 133। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट प्रपोज्ड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर जर्नलिस्ट रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना प्रस्तावित की? तो इसका आंसर है आसाम। नेक्स्ट वन इज, विच सिटी होस्टिंग द कृषि उन्नति मेला 2018। कौन सा शहर कृषि उन्नति मेला 2018 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिल्म विंस बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इन लॉस एंजलस। लॉस एंजलस में कौन सी भारतीय फिल्म ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो इसका आंसर है शून्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोग्राम लॉन्च्ड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मैटरनिटी केयर। मातृत्व देखभाल की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज हैज कमिटमेंट टू एंड टीबी बाय 2030। कौन से देशों ने 2030 तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का कमिटमेंट किया है? तो इसका आंसर है WHO मेंबर कंट्रीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर देश हैं उन्होंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रिकेट टीम हैज वोन द ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2018। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 कौन सी क्रिकेट टीम ने जीता? तो इसका आंसर है विदर्भा।
Now next question is, who has been elected as the president of China recently? हाली में चाइना के प्रेसिडेंट कौन चुने गए? तो इसका आंसर है सी जिनपिंग। दोस्तों सी जिनपिंग दूसरी बार लगातार चाइना के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया रिसेंटली। हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो इसका आंसर है व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन लगातार चौथी बार रशिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी कर्नाटका बैंक ओपन्ड इट्स फर्स्ट ऑल वुमन ब्रांच। कौन से शहर में कर्नाटका बैंक ने अपनी पहली ऑल वुमन ब्रांच को शुरू किया? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। दोस्तों इस ब्रांच में काम करने वाला सारा स्टाफ महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट टाई अप विद RIMES फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी राज्य सरकार ने RIMES के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द सेकेंड वुमन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई सोलो इन अ फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लड़ाकू विमान में अकेले उड़ान भरने वाली वायुसेना की दूसरी महिला पायलट कौन बनी? तो इसका आंसर है भावना कांत। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन प्रोसेस। चुनाव प्रक्रिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका आंसर है सियेरा लियोन। नाउ नेक्स्ट वन इज Who has been appointed as the governor of Odisha? Odisha के governor कौन नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर है सत्यपाल मलिक। दोस्तों सत्यपाल मलिक बिहार के भी governor हैं। इन्हें Odisha के governor के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। Now next question is, which city become the world's most expensive city as per the survey of Economist Intelligence Unit? Economic Intelligence Unit के survey के अनुसार, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो इसका answer है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी कमीशन्ड द फर्स्ट यूनिट ऑफ द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी कंपनी ने जम्मू और कश्मीर में किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पहला यूनिट स्थापित किया? तो इसका आंसर है वेल। दोस्तों व्हेल की फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ नवी मुंबई एयरपोर्ट रिसेंटली। हाल ही में नई मुंबई एयरपोर्ट की आधारशिला
किसने रखी? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप अ प्लास्टिक पार्क इन विच स्टेट? केंद्र सरकार ने कौन से राज्य में प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए अप्रूवल दिया? तो इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द 2018 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2018 का थीम क्या है? तो इसका आंसर है शेयर हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बैन्स यूज ऑफ पेट्रो क्रिप्टो करेंसी? कौन से देश ने पेट्रो क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक ऑन परमवीर चक्र अवार्डीज परमवीर परवाने? परमवीर चक्र विजेताओं के ऊपर लिखी गई पुस्तक परमवीर परवाने किसने लिखी है? तो इसका आंसर है प्रभा किरण जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिप्लेसेस रणवीर सिंह एज वीवो इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली? हाल ही में वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने रणवीर सिंह को रिप्लेस किया? तो इसका आंसर है आमिर खान। तो वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अब आमिर खान होंगे। Now this is your last question. Who was appointed as a public interest director of Bombay Stock Exchange? Bombay Stock Exchange के public interest director कौन नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर है David Wright. Next question is What is the theme of the World Water Day 2018? World Water Day 2018 का थीम क्या है? तो इसका आंसर है Nature for Water. Next question is Recently, which state declares Jackfruit as official fruit of state? हाल ही में कौन से राज्य ने कटहल को राज्य का आधिकारिक फल घोषित किया? तो इसका आंसर है केरला। तो केरला का ऑफिशियल फ्रूट अब मतलब स्टेट फ्रूट अब जैकफ्रूट होगा जिसे कि कटहल कहते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर में आज के इस वीडियो में इतना ही और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा।